अरे शांत, मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो कि उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जो जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिल के आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे, ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर ख़त्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे। पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है, और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे।